मामू एक चीज सिखाए मुझे, दुख मत तो खुदा नहीं करना। सर बोले आज बंजारा हिल्स एडिशनल इंस्पेक्टर हफीज, एसआई भरत भूषण और उनका पूरा क्राइम टीम, एसएचओ कलिंगराव और एसीपी बंजारा हिल्स सुदर्शन साहब के सुपरविजन में एक अच्छा केस डिटेक्ट हुआ है। ये एक दो खतरनाक जो मुजरिम है इसमें स्नैचिंग के ऑफेंडर थे उनको आज अरेस्ट करें। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक लेडी सिंसिया नाम का एक औरत, जब वो अपनी घर वापस जा रही थी उसके हाथ में जो बैग था डरा के धमका के बैग खींचने की कोशिश करे, लेकिन वो लेडी रेसिस्ट करी। रेसिस्ट करने के बाद उस हाथ लेफ्ट हैंड पे दो डीप इंजरीज, नाइफ के इंजरीज करके, और एक दूसरा एक थर्ड इंजरी भी है छोटा, ये तीन बार उसके हाथ पे जख्मी करके वो बैग उनके हाथ में से छीन के लेके गए। ये यहाँ से ये तकरीबन पाँच बजे ये ऑफेंस हुआ बंजारा हिल्स लिमिटेड में। उसके बाद में जाते जाते हुमायूं नगर में दूसरा एक जो आदमी को रोक के वहाँ से उनको धमका के पैसे भी डिमांड करे, सो अटेम्प्ट एक्सट्रॉशन केस भी वहाँ पर रजिस्टर हुआ हुमायूं नगर में। वो जब आज ये दो जो एक्यूज है उनको अरेस्ट करते समय उनका पोजेशन में दो वेपन्स भी रिकवर करें, तो ये तीन केसेस इनके खिलाफ दर्ज हुए। ये तीनों भी केसेस में इनको आज अरेस्ट करें, तो ये तीन केसेस इनके खिलाफ दर्ज हुए। ये तीनों भी केसेस में इनको आज अरेस्ट करके रिमांड को भेजा है। ये जो इम्पोर्टेंट इसमें जो एक्यूज है वो उसका नाम है साइफुल और दूसरा का नाम है अरुण। ये दोनों भी मतलब इस तरह के नशा में इनका आदत हुआ नशा करने का। ये नशा करने के बाद रात में बाहर निकल के इस तरह के इन लोग ऑफेंसेस करने में अभी मायल और एक गैंग जैसा फॉर्म हुआ। ये तीन चार लोग हैं इसमें, अभी दो लोग तो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके और दो भी दोस्त हैं उसके, उनके ऊपर भी अभी वेरीफाई करके उनके खिलाफ क्या केसेस है वो भी वेरीफाई करने वाले हैं। तो ये नाइट्रोवेट टैबलेट और गांजा ये दोनों भी कंज्यूम करने के बाद ये इस तरह के ऑफेंसेस करने में ये लोग आदत हो गया इनका। तो अभी एक अच्छा केस बहुत जल्द एक करीब 200 कैमराज वेरीफाई करके एग्जिट एंट्री रूट्स ये सब वेरीफाई करने के बाद इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके पूरे सीसी फुटेजेस एविडेंस के साथ इनको आज अरेस्ट किया गया है। इसके लिए हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर हाफिज और उनका सारा टीम जो है क्राइम टीम को हम लोग बधाई। अभी ना रहने वाले कहाँ, हैदराबाद में कहाँ रहते थे? ये अभी हैदराबाद में अहमदनगर में रह रहे लोग। ये अपने शौक के लिए सब काम करते थे, कुछ और इनका मोटिव यानी कि गैंग डोमिनेट करना था ना, शौक के लिए करते थे। ये लोग क्या है अभी तो कुछ काम नहीं कर रहे। एक तो बोल रहा कि कोई बिल्डर के पास काम कर रहा है ये अरुण का नाम का लड़का, दूसरा ये जो सैफुल है इनके नेटिव यूपी का है, यूपी है नेटिव इनका।